सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, और देखिए काफ़ी सारे पुराने कपड़े मेरे पास बचे थे, तो मैंने सोचा आज इसी में से कुछ डोरमेट बनाते हैं। और काफ़ी सारे देखिए वैसे के वैसे कपड़े होते हैं, कई बार हमें टाइट हो जाती है फ़िटिंग, क्योंकि रेडीमेड कपड़े आते हैं उनके फ़िटिंग भी अच्छी नहीं होती है तो वो हो जाता है कभी कभार। और मेरा गला भी आज पकड़ा हुआ है। और ये देखिए मेरे पास ये पुरानी कुर्ती थी, इसका ऊपर का हिस्सा कट करके मैंने सिर्फ नीचे का लिया है। ये देखिए इस तरह का टी शर्ट वगैरह है, तो कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं। इसमें से मैंने नीचे एक लेस थी वो मैंने किसी और पर्स वगैरह में यूज़ कर ली, और ऊपर का हिस्सा काफ़ी ये नरम है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से पर्स बना लूँ, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम इसी में से कुछ कपड़ों को रेडी करेंगे। टुकड़े काट के तैयार रखिएगा, बटन सिलाई, मोटी वाली सिलाई, बटन, ज़िप, ये सब चीज़ें हटा देनी है आपको। और यहाँ पे जो ऊपर हम मेन फैब्रिक लगाएंगे वो भी कुर्ती का कपड़ा है, वो मेरे पास कली वाली कुर्ती का कपड़ा है। और देखिए इस तरह से प्लेन सारे कपड़े के टुकड़े तैयार करने हैं आपको। ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी जेप है, रनर है, या फोल्डिंग वाली सिलाई है, या मोटी वाली सिलाई है, तो वो क्या होगा आपको पैर में चुभेगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कलियाँ हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसे क्विल्टिंग कर लेंगे तो ये काफ़ी मजबूत ही हो जाने वाला है। येलो कलर में थी मेरी कुर्ती, उसी में से मैंने निकाला था ये पीस, और इसका प्रिंट वगैरह भी ख़राब नहीं हुआ था। मैंने पेपर पे एक डिज़ाइन ड्रॉ कर ली हार्ट शेप में, और ऊपर से भी थोड़ा उसको गोलाई दी है, नीचे से भी थोड़ी गोलाई दी है, क्योंकि यहाँ पे आप गोलाई देंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 15 इंच इस तरह से, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई हमें देखिए ऐसे तो हम नहीं नाप पाएंगे, तो बीच वाले हिस्से को बराबर पकड़ते हुए टेप को यहाँ रखेंगे और ऐसे, तो ये भी 15 है, 15x15 का ही ये पूरा हार्ट शेप है। और आप चाहे तो कोई भी अलग शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप बनाएं कोई पेपर कटिंग कर लीजिएगा। पेपर कटिंग से क्या होता है कि हम इजीली शेप दे पाते हैं, एकदम से लास्ट मोमेंट पे अगर हम कपड़े पे ड्रॉ करते हैं तो कभी कभार आगे पीछे हो सकता है। अब जो मैंने आपको एक कुर्ती बीच में दिखाई थी ना, उसको उसका एक हिस्सा, कुर्ती का एक हिस्सा मैं नीचे बेस में डालूंगी, क्योंकि ये डार्क कलर है तो नीचे की साइड अच्छा लगेगा। आप इसकी जगह पे कोई अगर आपके पास पुरानी जूट की बोरी वगैरह हो वो ले सकते हैं, या फिर राइस बैग वगैरह हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लास्टिक लगाएंगे नीचे तो वो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हो सके तब तक आप जूट है या फिर कपड़ा है वही उसी को रखें ताकि स्लिप ना हो जाए। अब यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फैला देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स दिक्कत ये हुआ था कि मैं कैमरे को रख के उसके बाजू में ही खड़ी रह के मैं पूरा ये काम करती हूँ, तो कभी कभार मैं मेरी वजह से जो चीज़ें हैं वो ढक जाती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि पूरा आपको दिखा सकूँ। तो जो कपड़े हमने तैयार किए थे ना, कपड़े के टुकड़े, ये देखिए मेरा एक शॉर्ट्स था, शॉर्ट्स में से मैंने उसका निकाला, ऊपर का नेफा हटा दिया, नाड़ा हटा दिया, उसके बाद जो बचता है उसे, और सिलाई वगैरह सब हटा दिया। आप देख सकते हैं मेरे कोई भी कपड़े के टुकड़े में आपको सिलाई भी नहीं दिखेगी, क्योंकि जो सिलाई भी होती है ना वो मोटी मोटी दिखती है, उसमें से वो फिर पैर में चुभती है, तो वो ना हो इसलिए हमें वो सब हटा देना है। प्लस सिलाई के टाइम पे भी आपको दिक्कत आ सकती है, सुई वगैरह टूट सकती है, इसलिए आपको कपड़े एकदम पतले वाले लेने हैं, और ज़्यादा इसको मोटा भी हम नहीं करेंगे। 8 से 10 टुकड़े मैं रखूँगी और उसी में हमारा काम हो जाएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे तो इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सिलने में भी प्रॉब्लम होगी, इसको कैरी करने में भी प्रॉब्लम होगी, यानी इसका देखभाल, जैसे धोने के बाद सूखने में काफ़ी टाइम ले लेगा ये, तो ज़्यादा मोटा ना करें, एक लिमिटेड मोटाई रखें इसकी। और ये भी एक कुर्ती थी, सॉफ्ट कपड़े में थी, तो मैंने इसको भी इसके ऊपर सारे टुकड़ों को इस तरह से बिछाया है कि पूरा जो मेरा नीचे का बेस है, स्क्वायर पीस हमने जो रखा था उसके ऊपर प्रॉपर आ जाना चाहिए। अब देखिए ये शेप ही ऐसा है, हार्ड शेप, कि इसमें थोड़ा सा वेस्ट होगा आपका कपड़ा, क्योंकि हमें शेप बाद में देना है क्विल्टिंग करने के बाद। अगर हम पहले से शेप दे देंगे तो हम फिर कपड़ों को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये मैं सबसे आसान तरीका आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से जो हार्ट शेप का हमने डोरमेट बनाया है, डबल हार्ट शेप, वो आप कर सके। अब मैंने सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ भी कुर्ती का कपड़ा बिछा दिया है, मैं चाहती तो मैं इसी को कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन मुझे ऊपर येलो कलर ही चाहिए था, तो मैंने इसके ऊपर फाइनली एकदम लास्ट में ये येलो कलर वाला जो कुर्ती का कपड़ा था उसको रख दिया है। और रखने के बाद अच्छे से फैला लेना है। अच्छा, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कपड़े के टुकड़े निकाल लें और आपको लगे कि उसमें क्रीज ज़्यादा है तो आप आयरन कर लीजिएगा ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब सारे में हमें पिनअप करना है, बहुत नज़दीक नज़दीक आप इसे पिनअप कीजिएगा। अगर इतने सारे पिन आपके पास नहीं है तो आप हाथ सिलाई कर लीजिएगा बड़ी बड़ी, उसके बाद क्विल्टिंग कर लीजिएगा। आप जब हाथ सिलाई करेंगे या पिनअप करने के बाद क्विल्टिंग करेंगे तो कोई भी कपड़े का टुकड़ा अपनी जगह से नहीं हिलेगा और आसानी से क्विल्टिंग हो जाएगी। अब
मैंने खड़े और आड़े दोनों में मैंने सिलाई करके इसको क्विल्ट कर लिया है और फाइनली हो गया। अब इसमें से आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल हार्ट बना रही हूँ, तो देखिए एक कोने में मैं इस हार्ट शेप वाले पेपर को रखूँगी, इसको मार्किंग कर लूँगी, फिर इसको पलटा के सामने की साइड इस तरह से पलटा के सामने की साइड एडजस्ट करेंगे और वहाँ से भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों देखिए मैंने हार्ट शेप ड्रॉ कर लिए है इस तरह से एडजस्ट करते हुए। पहले दोनों को ड्रॉ कर लीजिएगा अगर आप सेम शेप बना रहे हैं तो, ताकि क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा हिस्सा कहाँ तक जा रहा है। अगर आप पहले से कोई हिस्सा ड्रॉ करके काट लेंगे तो फिर दूसरा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से दोनों मैंने हार्ट शेप को रेडी कर लिया है। पीछे से देखिए थोड़ा सा कपड़ा दबा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो पाइपिंग में छुप जाएगा। अब यहाँ पर दोनों हार्ट शेप के मेरे तैयार हो गए हैं यहाँ पे क्विल्टिंग पीस, और अभी से हमें पाइपिंग करनी है सभी तरफ से पाइपिंग। मैंने पाइपिंग करना इस वीडियो में नहीं दिखाया है। मैंने तकरीबन 3 इंच की पट्टी ली थी, लाइनिंग का कपड़ा है ये ब्लैक वाला, और 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, और फिर उसको मैंने क्रॉस पट्टी ली थी जिसे हम तिरछी पट्टी कहते हैं, वैसी पट्टी लेके मैंने उसको डबल रख के सिलाई कर ली थी, फिर इसको पलटी करके आगे की तरफ भी मैंने स्टिच कर लिया। तो क्विल्टिंग कर लिया। आप देखिए इसको सेट कैसे करना है। सेट करने के लिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से हमें इसके बीच में गोल गोल घूमते हुए सिलाई करनी है। तो मैं इसी तरह से रखूँगी, आप अगर चाहे, मैंने राइट साइड ऊपर रखा है, आप चाहे तो लेफ्ट साइड भी ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। बीच में हमें सिर्फ एक सिलाई नहीं लगानी है। मैं थोड़ा देखिए मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड हो गया, पहले मैंने आपको राइट साइड दिखाया था। तो मैं इसी तरह से रखूँगी और इसको स्टिच कर लूँगी। पहले इस तरह से रख के आप पिनअप कर लीजिएगा। पिनअप करने के बाद ही आपको इसे स्टिच करना है, ताकि अगर कोई भी गलती है तो पिनअप करने के बाद ही आप उसको समझ सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने सिलाई कर ली है, दोनों पीस को जोड़ दिया है। देखिए बीच में सिलाई काफ़ी अच्छी है, तो ये टाइट लग रहा है एकदम, लेकिन धोने के बाद ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। और तैयार हो गया हमारा डबल हार्ट शेप का डोर मेट। पीछे से भी आप देखिए, आप कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। और जो धागे वगैरह हैं वो बाद में हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे तैयार हो गया है हमारा हार्ट शेप का डोरमेट। तो आप इसे आराम से वॉश भी कर सकते हैं, ये जल्दी सूख भी जाएगा क्योंकि हमने ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और इस नवरात्रि हैंडमेड ज्वेलरी और दिवाली में होम डेकोर देखना ना भूले, चैनल के साथ अभी से जुड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।